तो आंशिक सूर्य ग्रहण है, काफी सालों के बाद इस तरह का योग बना है। 27 साल पहले इस तरह का योग बना था, लेकिन उस समय जो सूर्य ग्रहण था वो सूर्यास्त से पहले खत्म हो गया था, लिहाजा इतना ज्यादा जिस तरह से आज चीजें वर्जित की गई है वो नहीं है। 12 घंटे पहले सूतक लग चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सूर्य ग्रहण की तस्वीरें, क्योंकि जयपुर में शाम 4:31 से 5:49 तक ये सूतक माकेट का जो ग्रहण है उसकी तस्वीरें रहेंगी और मंदिरों में पटबंद कर दिए गए हैं। देखिए, कहा जाता है कि ऐसे समय में भगवान कष्ट में होते हैं, जो ग्रह होते हैं वो कष्ट में होते हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार का पूजा पाठ जाप उस समय वर्बली नहीं करना चाहिए, तेज बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ मानसिक जो जाप है वो करते रहना चाहिए। और दीपावली के तुरंत बाद सूर्य ग्रहण है, लिहाजा गोवर्धन पूजा आज नहीं मनाई जा रही। अब 26 अक्टूबर यानी कल गोवर्धन पूजा होगी। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चीज़ें बता देते हैं, नुकीली चीज़ें इनका इस्तेमाल आज के दिन नहीं करते। प्रेग्नेंट औरतें, गर्भवती महिलाएं इस दिन बाहर नहीं निकलती है ऐसा कहा जाता है। तुलसी समेत अन्य पेड़ पौधों को नहीं छुआ जाता। अगर कोई खाने पीने की चीज़ है तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं, जिससे सूर्य ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय हमारे चारों ओर जो सराउंडिंग्स होती है उसमें कुछ नेगेटिव एनर्जीज मौजूद रहती हैं। आयुर्वेद की बात करते हैं तो तुलसी के महत्व के बारे में सभी जानते हैं। तो तुलसी के पत्ते जिस तरह से संजीवनी होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, आयरन उसमें होते हैं और उनके सेवन से इम्यूनिटी बढ़ती है, तो साइंटिफिक चीज़ें भी इसकी है। सूर्य ग्रहण के समय किसी भी खाने पीने की वस्तु में अगर तुलसी का पत्ता या डाब जिसे हम कहते हैं अगर वो डाल दी जाए तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो खत्म काफ़ी हद तक हो जाता है। आंशिक हालांकि ये सूर्य ग्रहण है। और देखिए, विदेशों में सूर्य ग्रहण जो है वो शुरू हो चुका था, जिसमें जयपुर की अगर खासतौर पर बात करें तो 4:31 पर ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है। सूर्य ग्रहण के समय ये कहा जाता है कि पूजा पाठ, किसी भी शुभ काम को करना वर्जित होता है। और उसके बाद में जब सूतक खत्म हो जाता है, सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है, उसके बाद में एक बार फिर से नहाकर अगर दान उस समय करते हैं तो काफ़ी फलदायी वो दान भी होता है। तो अब से कुछ ही क्षणों का और कुछ ही मिनटों का अंतर आंशिक सूर्य ग्रहण और सूर्यास्त के साथ में वो खत्म भी हो जाएगा। सूर्य ग्रहण की अगर हम बात बता रहे हैं आपको, तो भारत समेत दुनिया के कई अन्य ऐसे देश हैं जहाँ पर इसे देखा जा सकता है। और सूतक काल जो है वो मान्य अभी चल रहा है, ग्रहण का सूतक काल अभी जारी है। इसके अलावा विदेशों में सूर्य ग्रहण जारी है। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, एशिया के कुछ भागों में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जारी है और उसके बाद 8 नवंबर के आसपास की जानकारी है जब चंद्र ग्रहण भी होगा। ग्रह और देव इस समय कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, लिहाजा ये धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप कहा गया है कि उस समय पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। और अगर खगोलीय तौर पर इसे देखा जाए, साइंटिफिक इसकी तस्वीरों को अगर देखा जाए तो उसके भी अलग महत्व होते हैं, उसके लिए भी अलग तस्वीरें। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, अलग अलग शहरों की जानकारी आपको दिखा रहे हैं, गांधीनगर में शाम 4:37 से 6:05 तक यानी कि सूर्यास्त तक, देहरादून में इस समय जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर समय देख रहे हैं आप, तो देखिए सूर्य ग्रहण का सूतक जो था वो शुरू हो गया है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, हल्की हल्की जो एक अर्ध चंद्र जो बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने लगी है। तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है, शुरू हो चुका है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और कुछ काम इस समय में करना वर्जित है, जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए 4:22 का समय था और 5:27 के बाद तक यानी कि सूर्यास्त के आसपास का जो समय है, कुछ राशियां जिसमें इसका प्रभाव और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जम्मू से विजुअल्स हैं। जम्मू में सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, भारत में ये सूर्य ग्रहण दर्शनीय है, सूतक इसमें मान्य है और नियमों का पालन भी इस समय हर कोई कर रहा है। 27 साल पहले 1995 में इस तरह का युग था जब दीपावली के दिन सूर्य ग्रहण हुआ था, लेकिन उस समय काफी, आज भी आंशिक है लेकिन उस समय इससे भी ज्यादा आंशिक था। जम्मू से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया के जरिए। साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण आज यानी 25 अक्टूबर को लग चुका है। जम्मू कश्मीर से तस्वीरें हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो गया था, दीपावली की आधी रात से यानी कि कल आधी रात से ही सूतक काल लग चुका था। अगले दिन गोवर्धन मनाया जाता है, लेकिन इस बार दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण होने की वजह से अब ये कल मनाया जाएगा। भारत के अलावा भी कई देश जहां पर समय इसे देखा जा सकता है। और इससे पहले 30 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था और साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है आज।
आंशिक सूर्य ग्रहण है हालांकि, लेकिन नियम वही और नियमों का पालन भी उसी तरह से करना होगा। सभी कर रहे हैं, भगवान के मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं, सुबह से ही मंदिरों के पट बंद रहे और उसके बाद जब शाम में सूर्यास्त के बाद सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा तो फिर से एक बार साफ सफाई होने के बाद में, पूजन होने के बाद में नहा धोकर दान जब किया जाएगा तो ये कहा जाता है कि उस समय भगवान कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और उसके बाद एक बार फिर से जो खुशियां हैं, दीपावली की एक श्रृंखला है, वो शुरू हो जाएगी। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू से, तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें। धीरे धीरे अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो कोने में एक हल्का सा आप डायमीटर के आसपास जो थोड़ा सा यहाँ पर एक सामने की तरफ काली परछाई सी है, वो हल्की हल्की बढ़ते बढ़ते समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो ज़्यादा हो जाएगी और आंशिक तौर पर ये रहेगा। हालांकि जितने भी नियम हैं वो इस सूर्य ग्रहण में भी मान्य हैं। देखिए दीपावली के अगले दिन जब सुबह में सबकी नींद खुली तो सूतक काल ऑलरेडी चल रहा था। खाना इस समय घर पर नहीं बनाया जाता है, खाना खाया भी नहीं जाता है, तड़के से ही शुरू हो गया था। अगली बार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंदिरों के कपाट बंद है, साफ सफाई फिर मंदिरों की होगी और उसके बाद फिर से जो पूजन पाठ है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय वर्बली पूजन पाठ नहीं किए जाते हैं उस समय। ये देखिए दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है और गोवर्धन पूजा आज में ही है। जम्मू से तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके बाद में अमृतसर से ये तस्वीर है। भारत के बाहर भी कई देशों में सूर्य ग्रहण इस समय देखा जा सकता है। जयपुर में 4:31 पर जो पहली तस्वीर है सूर्य ग्रहण की वो सामने आएगी और शाम को सूर्यास्त तक ये तस्वीर नजर आएगी। खासतौर पर जिन लोगों को आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं और कहा जाता है कि ऐसे समय में अपने घरों के अंदर रहें, बहुत कोई ज़रूरी कार्य ना हो तो बाहर ना जाएं। कुछ नेगेटिव एनर्जीज साइंटिफिकली भी इस समय सराउंडिंग्स में होती हैं और ग्रहण काल शुरू हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमृतसर में आप देख पा रहे हैं ये सूर्य की तस्वीरें और जम्मू से तस्वीरें। तो देखिए कल गोवर्धन पूजा और त्योहार कल मनाया जाएगा, 27 सालों का लगभग ये अंतर है और कल देर रात से ही सूतक शुरू हो गया था। सूर्य ग्रहण की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपने भी अपने आसपास ज्योतिषाचार्यों से और पंडितों से इस चीज़ की जानकारी कभी ना कभी ली ही होगी कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें वर्जित हैं और किस तरह से आज का दिन सुख शांति से निकल जाए, ये सब की कोशिश रहती है। भारत में ग्रहण काल शुरू हो चुका है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारत के अलग अलग हिस्सों से। दीपावली के बाद आज सूर्य ग्रहण और दशकों के बाद इस तरह का ये जो संयोग है वो बना है। दीपावली के बाद आज सूर्य ग्रहण की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हालांकि दुर्लभ भी से कहा जा रहा है अपने आप में कि दुर्लभ संयोग है ये। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक की अमावस्या को लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है, दीपावली मनाई जाती है, अगले दिन गोवर्धन पूजा, लेकिन इस बार दिवाली के फौरन बाद आंशिक सूर्य ग्रहण, कई वर्षों के बाद दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा ना होकर एक दिन का अंतर है। तस्वीर है जम्मू से और उसके बाद अमृतसर से भी तस्वीर, जो शुरुआत है ग्रहण की वो हो चुकी है। 31 पर यानी कि 4:31 पर जयपुर में भी ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो भारत में क्योंकि सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है इसलिए सूतक काल मानिए 12 घंटे पहले से होना शुरू हो चुका है। जब सूर्यास्त होगा तब उसके साथ में ये ग्रहण भी खत्म हो जाएगा और फिर जितने भी मंदिरों के कपाट बंद किए गए हैं उनकी अच्छे से पूजा होगी, अच्छे से उनकी साफ सफाई होगी, सभी स्नान दान उसके बाद करेंगे। और साल का आखिरी सूर्य ग्रहण किस तरह के प्रभाव इस पर पड़ सकते हैं, हमारे जो अलग अलग राशियां हैं उन राशियों पर, राशि गुरुओं पर इस ग्रहण के क्या प्रभाव और हो सकते हैं, ये तमाम बातें वसंती आपके साथ साझा कर रहा है। और देखिए एक गणना जिस तरह से बता रही है उसके अनुसार पिछले 1300 वर्षों के बाद सूर्य ग्रहण दो प्रमुख त्योहारों के बीच पड़ने के साथ कई ऐसी राशियां हैं
जो अपने अपने घरों में मौजूद रहेंगी। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है। क्या चीजें करने योग्य है, क्या चीजें वर्जित है समय में, और चलिए पूरी जानकारी के साथ में हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आंशिक सूर्य ग्रहण के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। आपसे कुछ देर बाद जयपुर में भी दिखना शुरू हो जाएगा, कुछ ही क्षणों का इंतजार है। ये अभी जो ग्रहण हो रहा है ये आंशिक ग्रहण यानी खंडग्रास सूर्य ग्रहण है और ग्रस्तास्त है, ग्रस्त होते हुए अस्त हो रहा है। तो अलग अलग भागों में अलग अलग अंश में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रभाव जहाँ जहाँ ग्रहण हो रहे हैं वहाँ आंशिक रूप से, और जहाँ पर पूर्ण ग्रहण होगा वहाँ पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। पर चूंकि ये ग्रस्तास्त हो रहा है इसलिए इसके जो प्रभाव है ग्रस्तास्त होने के कारण से इतने ज्यादा निगेटिव नहीं है इस क्षेत्र के लिए। अलग अलग चूंकि तुला राशि में हो रहा है, स्वाति नक्षत्र में हो रहा है, इसलिए तुला राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें या फिर स्नान करने के बाद जब पूरा हो जाए उसके बाद में दान पुण्य करें तो ठीक है। वैसे सभी राशि को कोई बहुत ज्यादा कष्टप्रद नहीं है, लेकिन मेष राशि वालों के लिए ये थोड़ा सा के कष्टप्रद है और वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, उनको कार्य सिद्धि देने वाला है। मिथुन राशि वालों को थोड़ी कुछ चिंताएं बढ़ा सकता है और कर्क राशि वालों को थोड़ा रोग का डर बनाता है। सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है और कन्या राशि वालों को भी ये लाभकारी है, और तुला राशि वालों को थोड़ा शारीरिक कष्ट की संभावनाएं रहती है, सावधान रहें। और वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक दृष्टि से थोड़ा साधारण है। धनु राशि वालों को भी स्वास्थ्य में थोड़ी सी के पहले के मुकाबले प्रगति होगी लेकिन सो रहेगा। और मकर राशि वालों के लिए ये काफी अच्छा है। कुंभ राशि वालों को थोड़ी सी सामान्य चिंता और मीन राशि वालों को थोड़ा चिंता ज्यादा कराता है, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। पर वैसे ये ओवरऑल देश के लिए अच्छा है क्योंकि ग्रस्त होता हुआ अस्त हो रहा, दीपावली का जो पंच पर्व महोत्सव है इसके बीच में आ रहा है, इसलिए ये पंच पर्व के बीच में आ रहा है। दो तीन दिवाली के तीन भाग एक तरफ हो गए तो एक तरफ हो गए और ग्रस्तास्त हो रहा है, इससे इस देश के लिए तो ये जैसे उथल पुथल करने वाला, आर्थिक दृष्टि से देश को उन्नति देने वाला है और पूरी दुनिया में ही उथल पुथल करेगा कि जो आर्थिक दृष्टि से शिखर पर थे वो नीचे, जो नीचे थे वो शिखर पर। इस तरह से ये आर्थिक दृष्टि से राजनीतिक दृष्टि से भी देश का वर्चस्व बढ़ाएगा। और अभी उसी का प्रमाण के ग्रहण आने से पहले ही अभी इंग्लैंड में भारत का परचम फहर गया है, तो ये पूरी दुनिया में ही भारत के लिए श्रेष्ठ रहेगा या अनिष्टकारी नहीं है, ये तो एक पुण्य का काल है। इस पुण्य के काल में श्रेष्ठ रूप से सद्भाव के साथ में जप तप और फिर ग्रहण पूर्ण हो जाए उसके बाद में दान पुण्य करने चाहिए, खासतौर से अन्न का दान, वस्त्र का दान, भूमि का दान और धातु का दान, ये दान सबसे अच्छे होते हैं। और जो नीडी हो, आवश्यक जिसको हो उसको दान करें तो उसके शुभ फल होते हैं। और ये ग्रहण एक अवसर है जिसके पुण्य को पूरा लाभ लिया जा सकता है। विनोद जी देखिए ग्रहण काल में जब सूतक शुरू हो जाता है तो क्या करें और क्या ना करें इसको लेकर संशय काफी ज्यादा रहता है। एक बार आप संक्षिप्त तौर पर बताएंगे कौन सी चीजें इस समय कर सकते हैं, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या वर्जित है, और उसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा किस तरह से शुरुआत करें पूजन की एक बार फिर से, क्योंकि अभी तो बंद है। देखिए ग्रहण जब प्रारंभ होता है तो ग्रहण के प्रारंभ में स्नान करें और मध्य में होम देव पूजन आदि करना चाहिए, और मोक्ष जब हो जाता है तो उस समय फिर स्नान दान वगैरह करना चाहिए और फिर मुक्त होने पर स्नान करें और फिर दान करें। तो ये तो इसका ग्रहण काल का है, पर इसमें गर्भवती स्त्रियों को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, ग्रहण में बाहर न निकले। जो वृद्ध है, बुजुर्ग है, बालक है, उनको कोई दोष नहीं है, लेकिन इसमें आशोच कर्म नहीं करते हैं, इसमें तो मूत्र पूरी शादी भी नहीं करते हैं ग्रहण काल में, तो तब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो ये ग्रहण और इसमें तो जप तप हवन और दान पुण्य का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि इस बीच में दान न तो कोई देगा न लेगा, इसलिए दान का संकल्प ले लेना चाहिए और आगे के लिए जो लोगों को सहयोग देने का संकल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि दान केवल धन का ही नहीं होता है, अपने
अपने क्षमताओं का भी दान होता है कि जिसमें जो क्षमता है वो समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए सबसे ज्यादा जो कर सके वो उसको करना चाहिए। पर कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इसमें स्नान करें, उसके बाद में कहीं नदी हो तो नदी पर स्नान करें, कुआं हो तो वो, नहीं तो सारे जल ही गंगा जल के समान होते हैं। इसलिए अपने जल में थोड़ा गंगा जल डालें, नहीं हो तो उसमें सारी नदियों का आह्वान करके और उससे स्नान करके शुद्ध हो जाएं। यज्ञोपवीत जरूर बदलनी होगी, क्योंकि स्नान करके इस दिन जिन्होंने जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनको यज्ञोपवीत बदलनी होगी। और सचैल स्नान होता है कि वस्त्रों सहित ही स्नान किया जाना चाहिए, उसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। घी के जो पकवान है, या घी है, आचार है, मुरब्बा है, इस तरह की जो सामग्रियां हैं उनमें कुछ भी कुशा या तुलसी आदि रख दें, न रखें तो भी इनमें कोई दोष नहीं होता है। पके हुए पकवान आदि में दोष नहीं होता है। अन्न आदि को जो स्पर्श नहीं किया है उसको तो अस्पर्श रखें, बाकी जिसको स्पर्श किया उसका दान कर दें। बिल्कुल विनोद जी, मेरा अगला सवाल वही था, आपने इसके बारे में बात भी की, खाने पीने को लेकर भी बहुत सारी चीजें हैं कि तुलसी का प्रयोग कर लेना चाहिए, अगर कोई डाब हम जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं वो पानी में डाल दी जाती है, खाने पीने की वस्तुओं में डाल दी जाती है, जिससे उसका जो नकारात्मक प्रभाव अगर है भी तो खत्म हो जाता है, इस पर आप क्या जानकारी और देंगे? देखिए, तुलसी जो है वो तुलसी अपने आप में ये अमृता है, और इसका जब जहाँ भी प्रयोग, जहाँ भी ये रख दी जाती है, ऐसे कुशा जहाँ रख दी जाती है, दाब जहाँ रख दी जाती है, वो सारे नकारात्मक भावों को अपने अंदर ले लेती हैं और सकारात्मक स्थितियां देती हैं। इसलिए और तुलसी में तो एक खासियत है कि ये जहाँ रहती है, जहाँ पर तुलसी का वृक्ष होता है उससे ये करीब 100-100 फीट दूर तक पवित्रता कर देता है। जहाँ एक पत्ता जहाँ रखा रहता है वहां से 20-20 फीट तक पवित्रता कर देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी भोजन में, वैसे भी हमारे यहाँ तक प्रसाद बनाते हैं तो नित्य ही तुलसी डालने का विधान है, उसके बाद भोजन करना चाहिए भगवान को भोग लगाने से पहले। और प्रसाद जब बनता है भोजन रसोई में तो तुलसी पत्र उसमें डालना बहुत जरूरी होता है, और ये तुलसी पत्र डालने से सारी जो सकारात्मक ऊर्जा रहती है और दैवीय भाव उत्पन्न रहता है, और जितने भी ये ग्रहण जन्य जो रोग शोक जन्य जो स्थितियां हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल, चलिए विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। हमारे सहयोगी जियाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जियाउद्दीन, आंशिक सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, आप कहां इस वक्त मौजूद है और क्या जानकारी इसको लेकर और देंगे? जैति, देखिएगा कि आंशिक सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, जो समय दिया गया था राज्य जयपुर के अंदर उसका समय हो चुका है। चूंकि हम अभी मौजूद हैं गलता जी के सूर्य टेंपल के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर, क्योंकि ऐसा जो ऐतिहासिक जो नज़ारा होता है उसको देखने के लिए काफ़ी मात्रा के अंदर यूथ जनरेशन हो या देसी पर्यटक हों, विदेशी पर्यटक हों, वो सब कुछ खास तौर से इंतज़ाम किए गए हैं कि इस सूर्य ग्रहण को लोग देख सकें, वो बन सके, उसको लेकर यहाँ पे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। सर, किस तरह के इंतजाम किए गए और क्या क्या कुछ खास होना चाहिए और क्या एहतियात बरतना चाहिए इसको लेकर, क्या यहाँ पे व्यवस्था की आपने? एक्चुअली क्या, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छी व्यवस्था करी है हमारे लिए यहाँ पे कि हम ये देख पाए सोलर इक्लिप्स, क्योंकि उन्होंने गॉगल्स का भी अरेंजमेंट किया, सब फ्री उन्होंने दिया है गॉगल्स जिन लोगों के देख पाए। जब आप एहतियात तो ये है कि सबसे पहले अगर ये देखना है तो सोलर इक्लिप्स को आंखों पे ऐसे लगाएं और सबसे पहले ऐसे इसको देखें, और आराम से जब आप देखेंगे तो मून एंटर कर चुका है, 40 एंटर कर चुका है। जब आप इसको उतारें तो ऐसे देखिए, बाकी किसी एक्सरे मशीन से, एक्सरे फिल्म से, या किसी पानी से, और या किसी पहले लोग क्या करते थे, कागज काला कर देते थे, उसे काले के बने देखते थे, लेकिन उसका रेटिना का इफेक्ट उस पर आता ही आता था। उसी एहतियात के तौर पर क्या है, इन्होंने सोलर फिल्टर एहतियात के तौर पर इन्होंने सोलर फिल्टर लगा रखा है टेलीस्कोप पे, 8-10 इंच सेलेस्ट्रॉन टेलीस्कोप है, सोलर फिल्टर से सूर्य की इमेज को बिल्कुल अच्छी तरह देख सकते हैं। दूसरी चीज़, दूसरा टेलीस्कोप लगाया हुआ है जो सेकेंडरी इमेज ले रहा है, जो डायरेक्ट किसी को संपर्क में नहीं आ रहा, सेकेंडरी इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं। देखिए, अगर बात की जाएगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण को देखना एक खतरा हो सकता है, किस तरह किन लोगों को इसका एहतियात रखना चाहिए, अगर एज ए साइंटिफिक रीज़न से देखा जाए तो कौन कौन से लोग हैं जिनको नहीं देखना चाहिए सीधे तौर पर, और अगर किसी गॉगल से या किसी लेंस से देखें तो किस तरह से? नहीं, किसी को नहीं देखना चाहिए विदाउट एनी सोलर इक्लिप्स गॉगल्स के अलावा, किसी चीज़ से नहीं देखना चाहिए इसको सोलर, जैसे मान लो मैंने ये चश्मा ले रखा, इससे नहीं देखना आपको, इस चश्मे से नहीं देखना है, और एक्सरे फिल्म से भी नहीं देखना, सिर्फ सोलर इक्लिप्स फिल्टर गॉगल से इसको देखा जा सकता है।
तो जी क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि कई बार ऐसे जहाँ आंशिक सूर्य ग्रहण हुआ था लोगों ने नंगे आंखों से देखा था, उनकी रेटिना पे रोशनी के ऊपर फर्क पड़ा था, खासतौर से बच्चों के ऊपर और वृद्ध बुजुर्ग महिला क्या रहता है? नहीं बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, उनकी आंखें खराब होने का पूरा डर रहता है, क्योंकि 70% आंखें रिफ्लेक्ट अंधेरा आ जाता है, आंखें रेटिना को इफेक्ट रहता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें जो बहुत स्ट्रांगली आती थी। इस चक्कर में क्या है कि पहले लोग क्या आते थे कि देख नहीं पाते थे इसको, क्योंकि अगर पहले फिल्म अवेलेबल हो ही नहीं सकती थी। अब अगर जिस व्यक्ति ने आज नहीं देखा है सोलर इक्लिप्स, अब 2034 में होगा, जब 2034 में भी नहीं देखेगा तो इस पूरी शताब्दी में नहीं देख पाएगा सोलर इक्लिप्स। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब बच्चों के लिए एक किताब के अंदर एक इमेज होती है सोलर इक्लिप्स क्या होता है, लूनर इक्लिप्स क्या होता है, तो बच्चा अगर देखेगा नहीं तो प्रैक्टिकल कैसे सीखेगा इसके बारे में, लोग अवेयरनेस कैसे होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। और हमने प्रोग्राम इसलिए रखा है सूर्य मंदिर सूर्य का है, तो जब आप सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधे देखेंगे तो सूर्य उदय होता था, राजा भी टेलीस्कोप से सूर्य मंदिर के दर्शन किया करता था। देखिएगा साफ तौर के ऊपर सूर्य मंदिर के ऊपर इस ऐतिहासिक नज़ारे को देखने के लिए खास इंतजाम किए गए, और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे लोग आए हैं, और उनका यही वजह है कि वो इस ऐतिहासिक जो पल है, क्योंकि पहले किताबों के अंदर आंशिक सूर्य ग्रहण के बारे में बताया जाता था, लेकिन खासतौर से यूथ जनरेशन वो देखना चाहती है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अभी नहीं देख पाए तो फिर 2034 में, फिर उसके बाद इस शताब्दी में नहीं होगा। खासतौर कुछ महिलाएँ यहाँ पर आई हैं उनको देखने के लिए। मैडम आप यहाँ पर आए हैं, किस तरह का नज़ारा देख? बहुत ही अच्छा लग रहा है, जब इन्होंने जो सन प्रोटेक्शन ग्लासेस दिए हैं उसे देखने पे बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये अनुभव हम घर पे नहीं कर सकते थे, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो आप अपने फैमिली के बच्चों को भी लेकर आए हैं? मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें। आपको इंटरेस्ट है इसमें? हाँ मुझे बहुत इंटरेस्ट है, सोलर इक्लिप्स देखने का ये मेरा इकलौता मौका है, और फर्स्ट मौका है, मतलब इससे मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी फ्यूचर में, तो ये मेरे लिए काफ़ी यूजफुल मौका हो सकता है। देखिए क्या खासतौर पर जेती इसके अंदर यूथ के अंदर काफ़ी क्रेज़ है, क्योंकि आज से पहले किताबों के अंदर इस चीज़ को पढ़ा जाता था, क्योंकि उसका प्रत्यक्षदर्शी बनना एक बहुत बड़ी बात है। कुछ नए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, आप आए हैं देखने किस तरह से, क्योंकि फर्स्ट टाइम है या पहले भी देखे? नहीं मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ देखने के लिए, इसके पहले मैंने देखा नहीं है कभी। हम यहाँ घूमने के लिए आए थे, गुजरात से आए, हमें पता नहीं था यहाँ पे इवेंट चल रहा है, तो हम आ गए तो हमको देखने का मौका मिल गया, बहुत अच्छी बात है देखने का। हाँ देखने का जी।